बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलाम अलैकुम। बंद गोभी मशहूर आम और पसंदीदा सब्ज़ी है, उम्दा खुराक है, वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको खूब खाएं। 100 ग्राम बंद गोभी में सिर्फ 22 कैलोरीज होती हैं। बंद गोभी निस्तन सस्ती सब्जी है। बंद गोभी में फाइबर भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। 100 ग्राम में तकरीबन 2 ग्राम फाइबर होता है। गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम, फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन सी। इंक्रीजेज इम्यूनिटी। दिल के लिए बंद गोभी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें फाइबर भी काफ़ी मिकदार में है और पोटाशियम भी पाया जाता है। प्रिवेंट्स ब्रेन डीजनरेशन, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिना दिमाग को तनजली से रोकती है। बिनाई के लिए भी बंद गोभी बहुत मुफीद है। शुगर कंट्रोल करने में भी बंद गोभी बहुत मदद करती है क्योंकि ये शुगर के जज़्ब होने के अमल को सुस्त कर देती है। कुछ लोगों को बंद गोभी खाने से एलर्जी होती है, बेहतर है कि वो लोग बंद गोभी का इस्तेमाल ना करें। जो लोग थायराइड की दवा ले रहे हों उनको बंद गोभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उस दवाई की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। मोहतरम सामईन, बंद गोभी पेशाब आवर है, बलगम और सफरा को ख़त्म करती है। बवासीर के लिए इसके पत्तों को सलाद के तौर पर खाना बहुत मुफीद है। बंद गोभी बादी है मगर गर्म मसाला और घी की आमेजश से बादी दूर हो जाती है। खूनी बवासीर के लिए इसका सालन फ़ायदेमंद है। ज़्यादा खाने से पेट में सूते और गैस पैदा करती है। अगर आपको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो बंद गोभी खाकर देखें, शायद आपका मसला आसानी से हल हो जाए। साइंसदानों ने अब ये राज दरियाफ्त कर लिया है कि बंद गोभी ज़्यादा खाने के बाद लोग बैतुलखला की तरफ दौड़ क्यों लगाते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक बंद गोभी में मौजूद कीमियाई मादे दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि जिस्म हमारी आंतों की हरकत को तेज़ करते, जिसकी इंतहाई सूरत में उल्टी भी पड़ सकती है, उल्टी हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं। बंद गोभी में पाए जाने वाले इस कीमियाई मादे का नाम अलाइल आइसोथायोसायनेट है और इसकी वजह से ना सिर्फ बंद गोभी बल्कि सरसों के साग में भी थोड़ी सी कड़वाहट महसूस होती है। रिसर्चर ने ये दरियाफ्त किया है कि आंतों की अंदरूनी दीवारों के साथ जायका महसूस करने वाले मखसूस उबार इस कीमियाई मादे से एहसास होते हैं। जब आंतें ये महसूस करती हैं कि उनके अंदर गोभी आ गई है तो एक इंतबाही पैगाम दिमाग को रवाना करती हैं जो ये हदायत जारी करता है कि जिस्म आंतों की हरकत को तेज़ कर दे। आंतों की दीवारों के साथ लगे हुए जायका महसूस करने वाले इन खसूसी उबारों को एंट्रोक्रोमोफिन सेल कहते हैं। साइंसदानों को पहली बार इन मखसूस खुलियात के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब उन्होंने ये देखा कि ये खुलियात जिस्म में पैदा होने वाले कीमियाई मादे सेरोटोनिन का 90% तैयार करते हैं। ये कीमियाई मादा मूड और भूख को इतदाल में रखता है। रिसर्चर ने अब ये दरियाफ्त किया है कि एंट्रोक्रोमोफिन खुलियात में ये खसूसी सलाहियत भी होती है कि वो खुराक में से खारज होने वाले और खराश पैदा करने वाले मादों की भी शनाख्त कर सकते हैं।
खास तौर पर ये खलियात बंद गोभी में पाए जाने वाले कीमियाई मादे महसूस कर सकते हैं जो आंतों की दीवारों में सोजश के जरिए खराश पैदा करते हैं। जब ये खलियात मखसूस कीमियाई मादों की मौजूदगी महसूस करते हैं तो बड़ी मकदार में सेरोटोनिन खारिज करने लगते हैं। सेरोटोनिन कीमियाई मादा आंतों में मौजूद आसाब को मुतहर्रक करता है जो दिमाग को इंतवाही पैगाम रवाना करते हैं। इन पैगामात के जवाब में दिमाग आंतों को हरकत तेज करने की हदायत करता है। अगर कीमियाई मादों का इखराज ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसहाल और कह की शिकायत भी पैदा हो सकती है। सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डेविड जोलस जो इस रिसर्च के कायद भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तहकीक से ये पता चलता है कि जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मुबतला होते हैं जिसमें कब्ज़ और दस्त की अलामतें देखी जाती हैं, उनकी आंतों में भी इंतहाई हिसास या न्यूट्रोक्रोमाफिन खुलियात की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।